तो स्वागत है आपका टेक वाला यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक मिस्ट्री बॉक्स की। तो देख सकते हैं आपके सामने इतना बड़ा बॉक्स इधर पर देखने को मिल रहा है। ये बॉक्स जो है दोस्तों, मैं आपकी मिस्ट्री को, आपके जो सस्पेंस को, मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ कि इस बॉक्स के अंदर में क्या है। तो चलिए इस बॉक्स को कर देते हैं अनबॉक्स। देख सकते हैं इसके अंदर में क्या है। और दोस्तों यहां हमारे बॉक्स के अंदर में आपको अनबॉक्स होने के बाद में देख लीजिए दोस्तों, ये है हमारा ZenPulse का ZenPulse Darius वाटर हीटर। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है, वाटर हीटर है आप इस बॉक्स के अंदर में दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर में आपको क्या मिल जाता है दोस्तों, ये आपको दोस्तों देखने को मिल जाता है Darius प्लस स्मार्ट वाटर हीटर जो कि है 25 लीटर का दोस्तों। और यहां पे आप देख सकते हैं ABS प्लास्टिक इसकी बॉडी है दोस्तों, हाई प्रेशर ड्यूरेबल है दोस्तों, इसकी क्वालिटी जो है काफी हाई है। इसके बाद में हार्ड वाटर रेजिस्टेंस है, जो हार्ड वाटर आपका बोरिंग का पानी आता है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंटी करोजन दोस्तों कोटिंग इसके अंदर में, जंग वगैरह अंदर से ना लगे इसके लिए कोटिंग इसमें पहले से की गई है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आप सूटेड फॉर हाई राइज के लिए जो है रखने के लिए सूटेबल है, और इनर ग्लास जो है लाइन कोटिंग है दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों यहाँ पे 2000 वॉट का ये जो है वाटर हीटर है, वाटर हीटर नहीं स्मार्ट वाटर हीटर। दोस्तों बॉक्स को अगर घुमा देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया होता है दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऐप कंट्रोल दिया गया है जिसमें आपको स्लीप अ लिटिल योर ग्रेयर नो वेन टू टर्न ऑन, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं दोस्तों। इसको हमें ऑनलाइन आप जो है मोबाइल के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आप आराम से सोते हुए भी आपको पता है कि सुबह आपने टाइमर लगा दिया कितने बजे मेरा वाटर हीटर शुरू हो जाए, और उसके 15 मिनट बाद आपको जाके टॉयलेट में नहा लेना है। 5 साल की इसके अंदर में दोस्तों आपको वारंटी दी गई है, 2 साल की वारंटी इसमें ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, और 5 साल की इसमें जो है टैंक के अंदर में 5 साल की वारंटी आपको इसके थ्रू मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट है क्योंकि, तो एलेक्सा से आप इसको जो है ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। नीचे आपको ZenPulse का ब्रांडिंग दिया गया है। और बॉक्स घुमाते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी कुछ जानकारियां दी गई हैं दोस्तों। जेनरिक नेम इसका जो है गीजर है दोस्तों, और प्राइस का 9999 लिखा हुआ है। अभी आपको दोस्तों 5800 का ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है 9999 मतलब 10000 का गीजर है जो कि 5799 अगर आपको ऑनलाइन मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप टेकविला कोड को, कूपन कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट उसमें जो है दोस्तों मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल सपोर्ट के लिए नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस प्रोडक्ट में तो आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ZenPulse की आपको जो है चैट सपोर्ट दिया गया है, और अन्य सपोर्ट दिए गए हैं, वेबसाइट दी गई है, तो सारी चीजें इसके अंदर में दी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर CIN नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड इन इंडिया है दोस्तों, और लेबल जो है उसके अंदर में उसका दिया गया है दोस्तों। इसी बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स के ऊपर में आपको इस तरह से यहाँ पे इसका अडेप्टर लगा हुआ दिखता है, और ऊपर से एक थर्माकोल लगा हुआ दोस्तों। इसको हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ इस तरह का आपको जो है वाटर हीटर इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। आपको ये दिखा देता हूँ मैं ऊपर से, क्योंकि इसको मैं सीधा रख नहीं सकता हूँ। तो ये देखिए यहाँ तो हमारा ZenPulse का Darius वाटर हीटर, और कलर जो है दोस्तों काफी अच्छा है। अगर इसकी ऊपर की जो हम अगर स्किन की बात करें, प्लास्टिक जो यूज हुआ है वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा दोस्तों काफी चिकना है जिसके कारण इसके ऊपर में कोई भी प्रकार की डस्ट वगैरह, एंटी डस्ट है दोस्तों, मतलब सिंपल आप झटकारेंगे तो ये साफ हो जाएगा। और नीचे साइड देखें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक ब्लू इनपुट है दोस्तों, और एक आपका जो है रेड आउटपुट है। इनपुट से आपका जो है पानी इसमें जाने का है, और हीटेड वाटर आपका रेड कलर की उससे पाइप से जो आप फिट करेंगे वो यहां से निकलेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसका जो आपका पिन है उससे एक अडेप्टर कनेक्टेड है दोस्तों। इसके अंदर में आपको यहां से बटन दी गई है इसको ऑन ऑफ करने की, तो आप एक बार इसको क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल का एक इंडिकेटर दिया गया दोस्तों। इसके अलावा वाईफाई का इंडिकेटर दिया है, तो वाईफाई के इंडिकेटर से दोस्तों, क्योंकि हमें स्मार्ट वाटर हीटर है तो इसको पहले हमें अपने वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमारी जो है इसकी वेब आपको मोबाइल ऐप होती है दोस्तों, उसके थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद में इसको जो है हम ऑन ऑफ अपने मोबाइल से कर पाएंगे, मतलब जो वाईफाई होगा उससे कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो उसके लिए ये वाईफाई के लिए हमारी इंडिकेटर, जिस समय हम अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करते हैं उस समय ये वाईफाई का इंडिकेटर जो है लिपलिपाता है, जिसके हमें पता चल जाता है कि ये अब कनेक्शन इसका होने वाला है। तो ऑन ऑफ भी दोस्तों इसके थ्रू आप इससे मैन्युअली भी कर सकते हैं, और मोबाइल से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों अडेप्टर के अगर पीछे साइड देखें तो यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनपुट है हमारा वो 85 से जो है 85 है 250
बोल्ट है एसी है दोस्तों, और 50 हर्ट्स जो है ये आपको रेंज है इसकी इनपुट की दोस्तों, और आउटपुट की जो रेंज है वो भी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, 16 एम्पीयर मैक्स है दोस्तों। इसके अलावा जो वाईफाई लगा हुआ है दोस्तों 2.4 GHz का, जो कम से कम उसका आपको रहे, और स्विचिंग दोस्तों इसकी ऑनलाइन और मैनुअल है, दोनों तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दो इंडिकेटर लाइट लगी हुई है दोस्तों, दो इंडिकेटर लाइट लगी है दोस्तों, एक आपकी जो है हीटिंग लाइट लगी है और एक कट ऑफ लाइट लगी है दोस्तों। तो जब ये ऑन हो जाता है दोस्तों, हमारा गीजर ऑन हो जाता है, तो ये लाइट आपकी जो है हीटिंग की ऑन हो जाती है दोस्तों, और जब आप इसको ऑफ कर देंगे रेड लाइट बंद होकर दोस्तों ग्रीन लाइट चालू हो जाती है। पीछे साइड में हैंगिंग जो है हैंग करने का, वॉल में हैंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारे अटैचमेंट दिए गए हैं, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे जो गैप्स नजर आ रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको सिंपली इसका साइज निकाल के आपको जो है खीले लगा देना है इसका साइज लेके, और उस पर सिंपली आप इसको हैंग कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि टीवी को भी हैंग किया जाता है, टांगा जाता है खीले लगा के, उसी तरह से सिंपली आप स्क्रू या खीले लगा के आप इसकी अटैचमेंट को सिंपली वॉल में इसको हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ZenPulse का जो हमारा स्मार्ट वाटर हीटर है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों प्रोडक्ट की एक क्विक आपको जो है मैं हाईलाइट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। इस तरह का प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके जो है दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें पती हैं, फिर भी मैं आपको उसमें जो चीजें आपके बॉक्स में आपको नजर नहीं आती वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये ऑलरेडी दोस्तों थर्मोस्टेट है, क्योंकि इसमें जो है 100% कॉपर इसके अंदर में यूज हुआ है, एल्कॉन जो है आपको इसके अंदर में थर्मोस्टेट है दोस्तों। इसके अलावा प्रेशर इसमें 8 बार का है। टैंक मटेरियल दोस्तों स्टेनलेस स्टील से इसके अंदर का टैंक बना हुआ है। टैंक ग्रेड 304 जो है एल का है दोस्तों। इसके अलावा टॉप एंड बॉटम इसका ABS है। इंसुलेशन इसके अंदर में है दोस्तों, PUF जो इंसुलेशन होता है वो इसके अंदर में है दोस्तों। इसके अलावा आपका ग्लास लाइन जो है इसके अंदर में कोटिंग की गई है दोस्तों। वारंटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ऑटो थर्मल कटआउट इसके अंदर में हैगा दोस्तों, ऑटोमेटिक इसके अंदर में थर्मल कटआउट भी है, जैसे आप चालू करके भूल गए, नहीं आप बंद करना भूले तो कटआउट इसका जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा वेट इसका जो है दोस्तों 8 किलोग्राम है, 25 लीटर के इसके अंदर में कैपेसिटी है। कनेक्टिविटी इसकी आपको मैं बता ही चुका हूँ, और कंपेटेबिलिटी आप एंड्रॉयड iOS में इसके ऐप को दोनों को चला सकते हैं दोस्तों। स्मार्ट वाटर के हीटर होने के क्या फायदे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको पास में स्मार्ट वाटर हीटर है तो आप इसका आराम से जो है इसको, अगर आप बिस्तर से उठ के आप जो सुबह सुबह जाते हैं नहाने के लिए, तो आप पहले ही उसको बैठे बैठे मोबाइल से ऑन कर देंगे, आपका गीजर ऑन हो जाएगा, पानी आपका जो है गर्म होना शुरू हो चुका है, और बस आपने 5 मिनट 10 मिनट आपका पानी गर्म हुआ और आप सीधे बाथरूम के अंदर में घुसे, और सीधे आपका जो है आपको वहां जाके बटन चट्टे पट्टे करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन आप मोबाइल से सारी चीजें, आज के समय स्मार्ट वर्किंग हो रही है तो सारी चीजें आप मोबाइल से ही इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। ये स्मार्ट वाटर हीटर होने के फायदे हैं। इसके अलावा आप एलेक्सा से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जैसे लाइट बंद चालू हम एलेक्सा के थ्रू करते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं, उसी तरह से आप एलेक्सा के थ्रू भी इसको जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। तो ये काफी फायदे हैं इसके स्मार्ट वाटर हीटर होने के। दोस्तों अगर आपको ये स्मार्ट वाटर हीटर बाय करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एडिशनल अगर डिस्काउंट चाहिए है तो ऊपर से आप जो है टेकविला का कूपन कोड जो है डाल सकते हैं और आपको एडिशनल डिस्काउंट आपको उधर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए टेकविला यूट्यूब चैनल में।